अट रहे हैं वो भी हमने देखा। तो उसी विचार पर मुझे आपको पूछना है, कैंसर का जो अगला प्रकार है उसके बारे में मुझे आपसे पूछना है, कोख के मुंह का जो कैंसर है जो ज्यादातौर पर महिलाओं में पाया जाता है उसके बारे में क्या कहेंगे? हम आज कैंसर के दो प्रकार देखने वाले हैं, एक कोख के मुंह का कैंसर अच्छा। और दूसरा अंडाशय का कैंसर हाँ, जिसको बीजांडकोश ऐसा कहा जाता है। इन दोनों कैंसर पर हम आज अच्छा, बातचीत करने अच्छा। वाले हैं। कोख के मुंह का कैंसर जो है जो मिड एज के बाद होता है, जैसे ज्यादातर देखा गया है कि 40 उम्र के बाद या फिर ज्यादातौर पर मेनोपॉजल एज के बाद होने वाला कैंसर कोख के मुंह का कैंसर होता है। अच्छा अच्छा। और अंडाशय का कैंसर मिडिल एज यानी उम्र के 35 के बाद किसी भी महिला को हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मरीजों पर मैंने ऐसे उपचार किए हैं जो अर्ली एजेस में युवाओं में, जैसे कि 18-20 बरस की लड़कियों से लेकर 35 बरस के कुछ मरीजों में अंडाशय यानी ओवेरियन कैंसर पाया गया है। बिल्कुल, जब हम कोख के मुंह का और आपने कहा ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करें तो इसमें महिलाओं को कोई सावधानी लेनी चाहिए क्या, या फिर ऐसी कुछ सावधानी अगर ली, जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इस तरह से इस कैंसर को महिलाएं टाल सकती हैं क्या? हमें पहले उसकी वजह क्या है ये देखनी होगी। जरूर, उनकी वजह देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जिन महिलाओं ने शादी नहीं की है उन महिलाओं में कोख के मुंह का कैंसर कॉमन है। अच्छा अच्छा। दूसरी एक बात यह है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने वाली महिलाओं में भी यह कैंसर कॉमन हाँ, है हाँ। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में भी यह कैंसर कॉमन अच्छा, है। अच्छा। ओवेरियन कैंसर का भी ऐसा ही है। इसको ऊपर के तीनों कारण जिम्मेदार हैं। शादी अच्छा। न करना ये एक मुख्य कारण है, या फिर एल्डरली लेट मैरिजेस जो है ये भी एक मुख्य कारण है। तो अब ये सब चीजें अपने ही हाथ में है। समझो शादी ना करना तो उसका उपाय है शादी करना। अच्छा। एल्डरली लेट मैरिज के बदले सही उम्र में शादी करनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल टालना चाहिए। अच्छा, और मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस भी टालने चाहिए। ये सब चीजें अपने ही हाथ में हैं। और ये करने के बाद हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। अभी आपने जो कहा कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज रहती हैं, उस वक्त इसका परिमाण ज्यादा दिखाई देता है। आज की जो लाइफस्टाइल है या लाइफ स्ट्रक्चर है उसमें लिव इन रिलेशनशिप का जो हिस्सा है वो कहीं बढ़ गया है। इसके कारण इस प्रकार की चीजें मुख्यतः लगातार मेट्रो सिटीज में बड़े पैमाने पर दिखाई देती हैं। जी हाँ, दिखते हैं। फिर उस वक्त महिलाओं को किस तरह की सावधानी, क्योंकि आपने कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ज्यादा इस्तेमाल टालना चाहिए या फिर मल्टीपल पार्टनर्स जो टालने चाहिए, तो इस प्रकार से हमने सोचा कि किस प्रकार से ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस सब का अगर सही जवाब चाहिए तो मैं जरा अलग तरीके से बताता हूं। जरूर। गौतम बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है, मध्यम मार्ग बताया है। मतलब कि ज्यादा राइट को मत जाइए, ज्यादा लेफ्ट को मत जाइए, सीधे रास्ते तो से। मध्यम मार्ग सबसे बेहतर है। न्यूट्रल मध्यम मार्ग से चलोगे तो सब सवालों के जवाब, सब परेशानियों की तसली हमें अपने आप मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें आपने सभी दर्शकों को एक अच्छा संदेश दिया है। अगर हमने गंभीरता से इसकी तरफ देखा तो ये सब बातें हैं ही, लेकिन आपने इसके जो कारण बताए उनके अलावा इसके लक्षण जो है, सामान्यतः जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से जज कर सकती हैं? जैसे हमने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर का विचार करें तो महिलाओं को सेल्फ एग्जामिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन दिया गया है। बराबर है। लेकिन इस प्रकार के कैंसर में महिलाओं को किस तरह से ये जज करना चाहिए, या फिर उनको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है? एक तो ये है कि उम्र के 35 के बाद सेहत की नियमित जांच करनी चाहिए। अच्छा, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर एबनॉर्मल लक्षण दिखाई दिए, बराबर, यानी कि समझो जैसे कि मिड पीरियड स्पॉटिंग कहा जाता है। अच्छा। यानी दो मासिक धर्म के बीच में अगर खून बह रहा है। अच्छा। मेंस्ट्रुअल अनियमित हो रहा हो, यानी हम कोख के मुंह के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है, अगर दर्द है, या फिर कई बार पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग यानी शारीरिक संबंध के पश्चात अगर खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, शारीरिक संबंध के बाद अगर कोख के मुंह में योनि मार्ग में अगर दर्द हो रहा है, तो हमें उसकी तरफ गंभीरता से देखना चाहिए। मरीज को भी गंभीरता परखनी होगी और फिर डॉक्टरी जांच जो होती है वो करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टरी जांच का मुद्दा आया है तो मुझे ये पूछना है कि तो इस प्रकार के कैंसर में भी उसी तरह की जांच करने की जरूरत है? जांच का तरीका लगभग एक ही होता है। एक तो सीटी स्कैन करना चाहिए, या फिर पहले के जमाने में जैसे सोनोग्राफी में भी कोख के मुंह का कैंसर का पता चल सकता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन ज्यादा बेहतर सीटी स्कैन की जांच है। ठीक है, ठीक है। दूसरी पैप स्मियर नाम की एक टेस्ट है, जो वहाँ का स्मियर लिया जाता है योनि मार्ग के गर्भ के मुख का, और उस जांच में भी कई बार कैंसर के सेल्स दिखाई देते हैं। अच्छा। और तीसरी जांच यानी कि सीटी स्कैन, और चौथी है बायोप्सी। इन सभी जांच से हमें पता चल सकता है।
ये जो हमने बात की ये कोक के मुंह के कैंसर के बारे में है। ओवेरियन कैंसर के बारे में अगर देखा जाए तो ओवेरियन कैंसर शुरू में पता नहीं चलता। सही। गांठ जब तक काफी बड़ी नहीं हो जाती तब तक हमें पता नहीं चलता कि इस स्त्री को या उस खुद महिला को भी पता नहीं चलता कि मुझे ऐसे कैंसर की कोई गांठ हो सकती है। सही है। कई बार क्या होता है कैंसर के किसी भी प्रकार में मुख्यतः ये लक्षण है कि कैंसर का निदान बहुत देर बाद होता है। नियमितता से हम स्वास्थ्य की जांच ना करने की वजह से कोई भी आदमी क्यों सोचेगा कुछ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो डॉक्टर के यहाँ जांच करने के लिए क्यों जाएगा। बराबर है। न होने के कारण रुग्ण का निदान जल्दी नहीं हो पाता। तो ओवेरियन कैंसर में क्या होता है कि पेट को आने वाली सूजन, कई बार लेट स्टेज में बीमारी जाती है, पेट में पानी होता है जिसको असाइटिस कहा जाता है। ओवेरियन कैंसर का ये मुख्य लक्षण है। जब असाइटिस होता है उस वक्त ये बीमारी आजू बाजू फैल जाती है, मोमेंटम रीजन में, यानी मोमेंटम में फैल जाती है या पेरोडोनियम में फैल जाती है। पेट को आई सूजन, पानी, उस वक्त भी थोड़ी देर से पता चलता है, लेकिन उस समय पता चलता है कि मुझे ओवेरियन कैंसर हुआ है। दूसरी बात यह है कि उस जगह होने वाला दर्द। कभी कभी अलग लक्षण दिखते हैं जैसे कि वॉमिटिंग, लूज टूल्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। सही है। यानी रिपीटेडली ऐसे वेग लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर कभी कभी ब्लीडिंग। अच्छा। भी यानी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स, ये अगर है बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी वेट लॉस और भूख कम होना, हमने देखा है कि बहुत से कैंसर में ये लक्षण आमतौर पर दिखाई देते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम होना और वेट लॉस, ये कॉमन है।